हाय दासिया, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इवन दो आई एम लिटिल बिट स्लो इन हिंदी, फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको हिंदी में समझाने के लिए, क्योंकि ये जो वीडियो है ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और ये रिक्वेस्ट आया है हरियाणा से और उनको हिंदी समझ में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद एक रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे, फिर ड्राफ्टर को हम 30 डिग्री एंगल पे सेट कर लेंगे, राइट। उसके बाद हम एक 60 mm का थर्ड डिग्री एंगल लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे, राइट। फिर हम ड्राफ्टर को 90 डिग्री एंगल पे सेट कर लेंगे और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे 30 mm का, राइट। फिर हम इस पॉइंट पे एक 15 mm का वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे, जैसे कि ड्राइंग में दिया गया है। फिर हम ड्राफ्टर को 30 डिग्री एंगल पे सेट कर लेंगे, राइट। उसके बाद यहाँ से एक 40 mm का 30 डिग्री एंगल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, राइट। देन ड्राफ्टर को फिर से 90 डिग्री पर सेट करके यहाँ पे एक 30 mm का लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर इस दोनों पॉइंट को हम मैच कर लेंगे, राइट। देन फिर से ड्राफ्टर को हम 30 डिग्री एंगल पे सेट कर लेंगे और यहाँ से एक 30 mm का एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर हम इस पॉइंट में भी एक 30 mm का एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। देन इस दोनों पॉइंट को फिर से हम मैच कर लेंगे कुछ ऐसे, राइट। देन हम ड्राफ्टर को फिर से 90 डिग्री पे सेट करके यहाँ से एक 15 mm का एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे, देखिए कुछ ऐसे। देन इस दोनों पॉइंट को हम मैच कर लेंगे। अभी फिर से ड्राफ्टर को हम 30 डिग्री एंगल पे सेट करके इस पॉइंट से एक 40 mm का 30 डिग्री एंगल लाइन ड्रॉ कर देंगे। देन फिर से ड्राफ्टर को हम 30 डिग्री पे सेट करके यहाँ से ये जो लाइन है हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। ये है आपका आइसोमेट्रिक व्यू। देन हम डायमेंशन दे देंगे, डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में इसका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू को ड्रॉ करेंगे, राइट। अभी देखिए ये जो एरो मार्क है ये हमेशा इंडिकेट करता है आपका फ्रंट व्यू को, राइट। एरो मार्क दिया गया है तो आप समझ जाइएगा कि ये फ्रंट व्यू है, राइट। तो फिर अगर हम इसे टॉप से देखेंगे ऊपर, राइट, तो ये हमारा हो जाएगा टॉप व्यू, और जो रिमेनिंग रहा, जो बाकी रहा, ये जो साइड लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाएगा आपका साइड व्यू। तो सबसे पहले हम टॉप व्यू को ड्रॉ करेंगे। अगर हम टॉप से देखेंगे ऊपर से तो ऑब्जेक्ट का हम ये जो पोर्शन है ये हिस्सा को हम देख सकते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका 60 mm, उसके बाद ये हो गया आपका 40 mm, राइट। यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे 40 mm का और फिर इस दोनों पॉइंट को हम मैच कर देंगे, राइट। उसके बाद ये जो लाइन है ये सेंटर पे है, 30 mm हो जाएगा, फिर 60 का आधा 30 और यहाँ से भी 30 और इस दोनों को फिर से हम मैच कर देंगे। ये हो गया आपका टॉप व्यू, राइट। इसे मैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में कर रहा हूँ, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, राइट। फिर हम यहाँ से रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया आपका टॉप व्यू। अभी देखिए अगर हम फ्रंट से देखेंगे तो हम ये जो डॉटेड डॉट दे रहा हूँ मैं, ये डॉटेड पोर्शन को देखेंगे, इस हिस्से को देखेंगे अगर हम फ्रंट से देखेंगे तो, राइट। तो ये जो है लाइन 30 mm का, यहाँ से हम 30 mm ले लेंगे, मार्किंग कर लेंगे, राइट। यहाँ से भी 30 mm मार्किंग कर लेंगे, फिर दोनों को हम मैच कर लेंगे। उसके बाद ये जो 15 mm है देखिए, इसे हम मार्क कर लेंगे 15 mm, राइट। और यहाँ से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू। इनरिंग ड्राइंग बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर आपको डिटेल में चाहिए इनरिंग ड्राइंग के बारे में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं हिंदी में भी इसका एक ट्यूटोरियल लेके आऊँगा। ये हो गया आपका फ्रंट व्यू, राइट। अभी हम यहाँ से एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेंगे, फिर यहाँ से भी एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेंगे, राइट। देन हम यहाँ से देखिए एक 45 डिग्री एंगल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 45 डिग्री एंगल। देन यहाँ से भी एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देन इस पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे कुछ ऐसी। अभी देखिए हम साइड से देखेंगे तो इस पोर्शन को देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइड व्यू, राइट। ये मैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में कर रहा हूँ। अगर हम इसे फर्स्ट एंगल में करेंगे तो जो टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू है उसका जो पोजिशन है वो चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा वो भी मैं आपको समझा दूंगा अगर आपको चाहिए तो, राइट। ये हो गया हमारा
साइड व्यू। अभी देखिए ये जो पर्सन यहाँ पे आएगा इसे हम देख नहीं पाएंगे, तो जिसे हम देख नहीं सकते हम इसे क्या करते हैं डॉटेड लाइन पे इंडिकेट करते हैं, तो यहाँ पे हम डॉटेड लाइन दे देंगे, राइट। तो ये हो गया हमारा टॉप व्यू, ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू, और ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड व्यू, राइट। फिर आप टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू का डायमेंशन जो है वो दे दीजिएगा, राइट। अगर वीडियो पसंद आया हो तो फिर चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और इन फ्यूचर भी अगर कोई भी डाउट हो आपको रिगार्डिंग इनोरिंग ड्राइंग तो फिर आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हो, उसके लिए भी मैं एक नया वीडियो लेके आपके लिए आऊँगा। थैंक यू।